हेलो गाइस, आई एम शहजाद अहमद फ्रॉम shakzeer.com एंड देखेंगे कि हम कैसे जो है वो फेसबुक की एप्लीकेशन जो हमने लॉस्ट सेक्शन में बनाई थी, हम कैसे जो है उसकी सेटिंग करते हैं और क्या चीजें जरूरी हैं, क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा जो है डिस्कस करेंगे। मेक श्योर हमने अभी तक जो है अपनी एप्लीकेशन को लाइव नहीं किया, सो हमारी जो है एप्लीकेशन जो है बनी हुई तो है, बट जो है वो पैसिव मोड में आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो है डीएक्टिवेटेड है, अभी तक आपने एक्टिवेट नहीं की बिकॉज अभी तक हमने कोई भी सेटिंग नहीं की है। सो स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि हमने जो है वो कैसे एप्लीकेशन बनाई थी। तो हम सेटिंग्स के अंदर जाते हैं। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद सबसे पहले हमें जो है वो बताना पड़ेगा कि हमारा जो है वो प्लेटफॉर्म कौन सा है। ठीक है, तो फेसबुक का जो है वो वेब का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है वेब चूज करेंगे बिकॉज आप वेब पे ही काम करने जा रहे हैं, वेबसाइट। ठीक है, वेब का प्लेटफॉर्म है। सेकंड थिंग, जो ऐप डोमेन है उसका डोमेन क्या है। ठीक है, आपका जो भी डोमेन हो xyz.com, व्हाटएवर जो भी आपकी जो है वेबसाइट है, मेरे केस के अंदर shakzeer.com। ओके, डोमेन जो है वो shakzeer.com है। यहां पे हमेशा रीडायरेक्ट यूआरएल आती है। अब रीडायरेक्ट यूआरएल क्या है, फॉर सपोज मैं जाता हूं shakzeer.com पे, एंड यहां पे आने के बाद जैसे ही मैं लॉग इन करता हूं, फॉर सपोज मैं यहां से साइन आउट कर लेता हूं, लॉग आउट। सेटिंग को फिलहाल हम जो है वो सेव नहीं करते। मैंने यहां से जो है साइन आउट कर दिया, मैं यहां से लॉग इन विद फेसबुक करता हूं अपने सिस्टम से, तो आप देखेंगे कि वो मुझे यहां पे लेके आ रहा है जो है, अगर कोई यूजर लॉग इन नहीं है तो वो जो है वो फेसबुक के पेज पे लेके जाता है। ठीक है, जैसे ही मैं लॉग इन होता हूं तो वो मुझे रीडायरेक्ट करता हुआ अपनी वेबसाइट पे लेके जाएगा। ये देखें, ये रीडायरेक्ट यूआरएल। ठीक है, तो आपका रीडायरेक्ट यूआरएल क्या होना चाहिए। रीडायरेक्ट यूआरएल मींस ये तो मेरा सेशन जो जैसे ही एक्टिवेटेड हुआ तो मैंने उसे होम पे भेज दिया, बट जो मेरा रीडायरेक्ट यूआरएल है वो मैंने रखा हुआ है साइन आउट। ठीक है, आप जो भी कुछ जो है रख सकते हैं, ये मेरा डोमेन एंड ये मेरा कंट्रोलर का नेम, तो ये मैंने रीडायरेक्ट यूआरएल रखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे इस केस के अंदर हमारा जो सेटअप है वो रखा हुआ है लोकल होस्ट पे, बट हमने उसे माइग्रेट करना है उसे जो है किसी भी जो है पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर। तो मैंने fb.shakzeer.com ये मैंने सब डोमेन बनाया है। सब डोमेन ऐसे ही होता है जैसे आपका कोई भी डोमेन होता है xyz.com। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, xyz.com ये ऐसे ही है। तो यहाँ पे हमने अपनी पूरी की पूरी फाइल्स रखनी है, एंड आपको पता है कि मैंने अपनी फाइल्स जो है वो कहाँ रखी हुई है। मैंने अपनी फाइल सी के अंदर, एंड जैम्प का यूजर हूं, सो दैट्स व्हाई htdocs के अंदर fb का हमने फोल्डर बनाया था शुरू में। ये fb के अंदर सारे का सारा सेटअप रखा हुआ है हमारा। हम इसे जो है वो ट्रांसफर करेंगे अपने सब डोमेन पे, यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो या तो आप जो है जिप करके ट्रांसफर कर दें, या आप जो है वैसे ट्रांसफर कर दें, आप पे डिपेंड करता है। तो मैं ऐसे ही ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये टाइम लेगा तो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं, हम और चीजें देखेंगे कि मैं सारे का सारा जो भी सेटअप है, fb का फोल्डर है मेरा, एंड मैं जितना भी सेटअप है ये सारे का सारा यहाँ पे मैं सर्वर पे अपलोड करने जा रहा हूँ। तो 548 फाइल्स हैं, तो इसमें थोड़ा सा जो है वो टाइम लगेगा बिकॉज हम जो है डायरेक्ट जो है वो फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, जितनी भी जो है फाइल्स हैं अपनी वो अपने डोमेन पे। एक दफा फाइल्स हमारी रेडी हो गई तो हम देखेंगे कि हम कैसे जो है इंटरेक्शन करते हैं उनके साथ और कैसे अपनी जो है वो सेटिंग करते हैं अपने जो है वो लॉगिन विद फेसबुक जो हम कोडिंग नाइटर के अंदर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि हमने कैसे जो है वो अपनी फाइल्स को जो है ये यहाँ पे जो है वो ट्रांसफर किया। या हम ऐसा करते हैं कि फिलहाल बहुत ज्यादा ये टाइम जो है वो कंज्यूमिंग होगा, हम ऐसा करते हैं कि अपने जो है वो सेटअप को जिप करते हैं, जो भी हमारा सेटअप है ये हम जिप करते हैं। ठीक है, जिप करने के बाद जैसे ही ये जिप होगा तब हम इसे जो है वो ट्रांसफर कर देंगे अपने मेन डोमेन पे। ठीक है, मेरा मेन डोमेन है। ठीक है, एंड
हम जाते हैं डायरेक्ट जो है वो सी पैनल पे, एंड एफबी का फोल्डर जो मेरा सब डोमेन है हम वहां पे रखते हैं। अगर आपको सी पैनल के बारे में नहीं पता तो आप में हमारी सीरीज जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ फाइल्स हमारी ऑलरेडी रखी हुई हैं, हम जस्ट जो है सारी की सारी फाइल को जो है वो डिलीट करते हैं, हम अपलोड पे लगाते हैं। हमने अभी अभी जो है वो जिप की है हमारी फाइल्स, तो मेक श्योर हमारा सी ड्राइव है एंड जैम्प है, htdocs है, ठीक है। htdocs के अंदर fb का फोल्डर है, हमने अभी अभी जिप फाइल बनाई है, हम अपलोड पे लगाते हैं उसको। जैसे ही फाइल जो है वो अपलोड होंगी तब देखें यहाँ पे जो है वो सिस्टम 40% 50% एंड यहाँ पे जो है वो आपकी फाइल्स जो हैं वो 2.66 जो है 66 MB की फाइल है, 44% जो है वो कंप्लीटेड बता रहा है हमें। सो जैसे ही फाइल हमारी जो है रेडी होंगी हम थोड़ा सा जो है उसकी सेटिंग्स करेंगे सर्वर के हिसाब से, बिकॉज आपको पता है कि लोकल होस्ट पे आपने जो जो है साइड URL रखा होगा वो ये रखा है, हमने रखा था लोकल होस्ट एंड FA, तो हमारा साइड URL जो है ये था, बट हमने अभी अभी जो है वो ट्रांसफर किए हैं फाइल्स यहाँ पे, तो हम उसे जो है वो देखेंगे कि हम कैसे उसे एक्सट्रैक्ट करके और कैसे जो है वो थोड़ी सी जो है सेटिंग करते हैं। हम आने वाले लेक्चर्स में जो है ये वाइंड अप करेंगे, बिकॉज दो या तीन लेक्चर्स और बनेंगे ताकि जो है आपको चीज़ें जो है वाजे समझ में आ जाए। बिकॉज अब हम यहाँ पे बनाएंगे जो है लोकली जो है वो सेटअप नहीं चलता है FB का, बिकॉज जो है वो रीडायरेक्ट URL जो है वो उसे देना पड़ता है, इसी वजह से जो है हम इसे जो है वो सेंड कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं अपने जो है वो मेन डोमेन पे। 93% जो है वो कंप्लीटेड है, तो चलो ठीक है 100% जो है वो कंप्लीटेड हो गया हमारा। हम वापस जाते हैं अपने जो है वो डोमेन पे। आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा FB के नाम से एक फोल्डर रखा हुआ है, हम उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और जितनी भी फाइल्स हैं हमारी सारी की सारी जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी फाइल्स जो एक्सट्रैक्ट हो गई, अभी हम जैसे ही जो है वो रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका सेटअप जो है वो कैसे एग्जीक्यूट होगा। आप देख सकते हैं कि आपका सेटअप जो है वो चलना स्टार्ट हो गया। देखें जो हमने सेटअप लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जो हमारा ये लोकली चल रहा है, बट अब हमारा जो है ये डोमेन के ऊपर चल रहा है। मैं इसे जो है वो कनेक्ट करता हूँ जो है वो अपने एडिटर से, आप कोई भी एडिटर चूज कर सकते हैं। मैं जो है वो FTP के लिए नोटपैड प्लस प्लस ही चूज करता हूँ, एंड जाहिर सी बात है आप डायरेक्टली यहाँ से भी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, बट थोड़ा सा जो है ये लंबा प्रोसीजर है, इसी वजह से जो है हम ऐसा करते हैं कि रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, क्लोज नोटपैड प्लस प्लस। ओके नोटपैड प्लस प्लस हम ओपन करते हैं, मैंने ऑलरेडी जो है सेटिंग्स की हुई हैं अपनी। यस ओके मैं अभी करता हूं सेटिंग्स shakezy.com एंड मैं अपना सब डोमेन डालता हूं एंड पासवर्ड, ठीक है। एंड यहां पे आने के बाद FB, तो अभी हम जो है वो कनेक्ट होने जा रहे हैं अपने अकाउंट से। आप देख सकते हैं कि हमने जो अभी अभी फाइल्स जो है वो एक्सट्रैक्ट की, ये सारी की सारी फाइल्स जो है वो शो हो रही हैं यहाँ पे। हम जो है थोड़ी सी सेटिंग्स करेंगे कॉन्फ़िग में जाने के बाद, एंड यहाँ पे कॉन्फ़िग साइट URL को हम सेट करेंगे ताकि हम जो है चीज़ें इजीली जो है वो मैनेज कर सकें, ठीक है। हम यहाँ पे साइट URL के अंदर आते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लोकल होस्ट का सेटअप रखा हुआ होगा एंड ओके बेस URL सॉरी रखा हुआ नहीं है, तो हम बेस URL को सेट करते हैं। आपको पता है कि जो है वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है, अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी जो है कोडिंग नाइटर की सीरीज देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेस URL आपने सेट कर दिया, ठीक है। अब बेस URL आपने सेट कर दिया तो आपकी जो है ये कोडिंग नाइटर का जो है सेटअप प्रॉपर आपका जो है वो रन हो रहा है। आपको याद है कि जो हमने जो है API डाउनलोड की थी या जो हमने लाइब्रेरी डाउनलोड की थी,
मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको अंदाजा हो जाए। यहां पे दो फाइल्स थी, एक तो कॉन्फिग की फाइल थी जो हमने लाइब्रेरी डाउनलोड की थी, ओके। यहाँ पे हमने जो है वो कॉन्फिग की फाइल थी facebook.php और एक लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर लाइब्रेरी फेसबुक की फाइल थी, तो हमने उन दोनों को जो है वो ट्रांसफर किया था अपनी अपनी जगह पे। ये देखें facebook.php की फाइल है, जैसे ही हम उसे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ सेटिंग्स आपसे मांगी जाएंगी। ऐप आईडी है, ऐप सीक्रेट है, उसके बाद में वेब यूज कर रहे हैं हम, रीडायरेक्ट जो है वो यूआरएल ये है, और उसके बाद में जब यूआरएल सक्सेसफुली हो जाए, ये लॉगिन यूआरएल है, लॉगिन एंड देन ये लॉग आउट यूआरएल है, ठीक है, लॉगिन के लिए ये, लॉग आउट के लिए। हम आगे जाके देखेंगे हम कैसे इसको जो है वो कॉन्फिगर करते हैं, बट फिलहाल के लिए हमने अपना पूरे का पूरा सेटअप जो है यहाँ माइग्रेट किया, ठीक है, सब डोमेन पे। एंड हमने जो है कुछ सेटिंग्स की जो है वो एप्स की। अब हम वापस जो है एप्स के अंदर जाते हैं, हम कहते हैं कि जो है ये हम चूज करते हैं हमने जो एप्लीकेशन बनाई थी, और थोड़ा सा रिपीट करवा देते हैं आपको कि हम क्या करने जा रहे हैं, ताकि आपको अगले लेक्चर्स में जो है वो मुश्किलात जो है ना आए, ठीक है। ऐप आईडी, ऐप सीक्रेट, डोमेन का नेम हमने रख दिया, सॉरी ये हमने प्लेटफॉर्म चूज किया, डोमेन का नेम रखा हमने, ठीक है, हमने सेव करवा दिया। डोमेन के साथ साथ अब आपसे ये भी लिया जाएगा रीडायरेक्ट यूआरएल। हम आने वाले लेक्चर में जो बनाने जाएंगे वो साइन इन के नाम से बनाने जा रहे हैं एक कंट्रोलर। तो मैं कहता हूं कि मेरा डोमेन है fb.com, ठीक है, ये डोमेन है साइन इन, ठीक है, साइन इन के नाम से हम एक कंट्रोलर बनाने जाएंगे अगले लेक्चर में, बट मैं फिलहाल के लिए अभी दे देता हूं ताकि जो है वो सेव हो जाए हमारी सेटिंग्स। तो हमारी सेटिंग्स जो है वो सेव हो चुकी हैं, ठीक है, सेटिंग्स हमारी सेव हो चुकी हैं। अब हमने जो है एक साइन इन का जो है वो कंट्रोलर बनाना है। हम यहां पे आते हैं, चलो हम अभी बना लेते हैं साइन इन का जो है कंट्रोलर। हम कंट्रोलर के अंदर आते हैं, कंट्रोलर के अंदर आने के बाद हम एक जो है वो फाइल बनाते हैं, क्रिएट अ न्यू फाइल एंड उसका नेम रखते हैं साइन इन, मेक श्योर एस जो है वो कैपिटल होगा .php, ठीक है। जैसे ही हम जो है फाइल बनाते हैं तो फाइल हमारी सक्सेसफुली जो है वो बन चुकी होगी। तो आपने आज इस लेक्चर में देखा कि हमने कैसे जो है सेटिंग्स की अपनी, और कैसे हमने जो है अपना जो है वो सेटअप माइग्रेट किया जो है अपने सब डोमेन में, ताकि हमारा हमें जो है रीडायरेक्ट किया जा सके, बिकॉज फेसबुक की जो API है वो लोकल होस्ट को सपोर्ट नहीं करती। तो हमने एक जो है साइन इन का जो है एक कंट्रोलर भी बनाया, एंड हम आने वाले जो है लेक्चर में देखेंगे कि हम कैसे जो है वो सेटिंग करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे जो है एप्लीकेशंस को कोडिंग नेटर के सेटअप के अंदर, और जो हमने लाइब्रेरी यूज की थी। सो आज के लिए इतना ही, आयो आप हमारी सीरीज को एंजॉय करें। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो थम्स अप हमें जो है वो फेसबुक पेज जो है वो लाइक करवाएं, जो है वो लाइक कर सकते हैं हमारे ऑफिशियली पेज को, और जो है यूट्यूब का चैनल हमारा जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको प्रॉपर जो है नोटिफिकेशन मिलते जाएं। एंड आप अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको क्या चीज़ें जो है समझ में नहीं आ रही, क्या नहीं आ रही। अगर आप फीडबैक नहीं देंगे तो हमें जो है वो पता भी नहीं चलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।